गाइस ये कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो जिनको आग बुझानी होती है। अभी ये बाबूजी हमारी बाइक को टक्कर मार देते हैं थोड़ी। ये देखो इसको कितनी जल्दी हो रही है, ये देखो और फिर रुकना पड़ेगा। ये वो देखो ये देखो दोस्तों, तो करना क्या चाहता है समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छे होंगे, स्वागत आपका मेरे नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं शोरूम पे और फिलहाल रोड पे है। अभी एक चीज होगी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगी, एक दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो जिनको आग बुझानी होती है। अभी ये बाबूजी हमारी बाइक को टक्कर मार देते हैं थोड़ी। ये देखो इसको कितनी जल्दी हो रही है, ये देखो और फिर रुकना पड़ेगा। ये वो देखो ये देखो दोस्तों, करना क्या चाहता है समझ नहीं आ रही। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो गाड़ी वाला है ना, वो पता नहीं क्या जाने की कोशिश कर रहा था, इधर से निकल रहा था उधर से निकल रहा था, जबकि उसको पता है कि तंग रोड है, यहाँ पे मार्केट है और मार्केट के बीच में आराम से चलानी चाहिए, आराम से निकलेगी क्योंकि जगह नहीं होती है, कुछ व्हीकल्स खड़े होते हैं है ना, तो बहुत सारी चीज होती है। क्या हो गया दिन से हम तंग हो रहे थे। ये देखो ये न्यू रोड हो चुका है, ये नया रोड बना दिया है, तोड़ रखा था है? ओके, कल हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर आए हुए थे हिसार में, तो कृषि मेला चल रहा था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया सिर्फ जॉब के कारण। मुझे वो मेरा बहुत मन था आपको दिखाने का, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाएंगे आपको। हरियाणा के HAU में लगता है हमेशा, हर साल लगता है कृषि मेला, और अगले साल आपको पक्का दिखाएंगे जरूर। जो दिक्कत कल और परसों पुल के दूसरी तरफ थी वो आज इस तरफ है, जाम देख लो। कल हमें वहाँ पे कम से कम पौना घंटा से ऊपर लग गया था। हम कल बहुत जल्दी निकले थे तैयार तुर होके, और मिट्टी देख लो पूरा मेकअप हो जाएगा, नहा धोके जो बंदा आया ना उसका पूरा मेकअप हो जाएगा, वो भी मिट्टी से, धूल मिट्टी से। जाम देख लो गाइस, क्रेन को बिल्कुल बीच में लगा रखा है रोड के, काम चल रहा है ना इसलिए। एंड गाइस ये देखो ऐसे काम चल रहा है सड़क का, आपने देखा ही होगा। एंड गाइस मैंने सुबह ना कैमरा बंद कर दिया था, क्यों, इसलिए मेरे को लग रहा था कि आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, बट मैंने सुनी है तो आवाज़ ठीक आ रही है उसमें, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और आगे मैं शोरूम आ गया था, शोरूम आने के बाद मैंने वर्क किया, अभी शाम का टाइम हो रहा है और अब जा रहा हूँ मैं जिम, एक घंटा जिम जाके और फिर वापस आएंगे, और आज थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे क्योंकि आज एक और चीज़ है, वो है राधिका का बर्थडे, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो उसके लिए केक लेना है, फिर केक लेंगे और फिर चले जाएँगे घर। आज सर को बोल के थोड़ा जल्दी निकल जाएँगे और अभी फ़िलहाल चलते हैं जिम फटाफट से। वर्कआउट कर लेते हैं, जिम में आ चुके हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वर्कआउट के बाद। फिलहाल जिम आ चुके हैं, रनिंग कर लिया, करेंगे स्ट्रेचिंग और आज देखते हैं कौन सा कौन सी लगाएंगे, शोल्डर या बैक। गाइस माय न्यू टी शर्ट आर्मी प्रिंट, आर्मी वालों के लिए, जय हिंद जय भारत। दोस्तों शोरूम बढ़ा दिया और अब निकलेंगे और जाके लेंगे केक, 9:15 हो गया यार, लेट हो गए, मेरे को लगा था 8 बजे निकल जाऊंगा बट स्टाफ ही नहीं था, तो इस वजह से अब मैं लेट जा रहा हूँ और जाके केक लेते हैं, पहले भरत को लेते हैं, भरत के बाद केक लेते हैं, केक लेके फिर घर जाएंगे, फिर केक काटेंगे, फिर रोटी खाएंगे और फिर सो जाएंगे। चलो तो फिलहाल अभी केक लेने आए हैं भाभी के लिए और देखते हैं कौन सा लगा।
स्पेशल हो जाए, छोटे छोटा हो वो देख ले, ग्रीन वाला। मैं भी ग्रीन वाला ही कह रहा था, हरा अलग है ना थोड़ा, वो ग्रीन वाला दे दो यार। तो चाची नाम लिखवा लिया इस केक पे, और एक सैंडविच लिया भाई ने, तो हाफ हाफ दिखा दी। क्यों तो हाफ हाफ खाएंगे, क्योंकि रोटी का भी टाइम है, घर पे जाके रोटी भी खानी है। तेज बोला कर, शर्मा किधर। कैसा भाई 30 वाला सैंडविच, जबरदस्त। तो ये अपनी दन्नो खड़ी है, चलते हैं दन्नो पे। पूछ ले, खाएंगे तो पढ़ा गया तने है अंकल के कहने लग रहे हैं। कितने साल पुराना है? 8 साल हो गए। मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ अंकल जी, वीडियो में बताने वास्ते। वीडियो दिए गाइस, इसकी बेइज्जती हो गई। ये भाई बोले मैं तो वैसे ही जाऊंगा वीडियो में बता। तो 52 या 60 साल पुराना बंदा है अंकल ने शुभ आरंभ किया था 2003 में। 80 रुपए 80 के गए, कोई नहीं 80 के कर दो। मैंने तो अंकल 100 के मांगे, अब है ही 80 के, तो क्या कर सका भाई। हम तो है ना केक ही भूल गए थे, पैसे दे आए हैं और सैंडविच खा लिए, अंकल से बल्ले भी ले लिए, कांची के बल्ले और कांची के बड़े, सॉरी। और तो शुक्र हम कांची के बड़े लेने के लिए खड़े हो गए, वरना दोबारा आना पड़ता, दोबारा आना पड़ता दोस्तों, जैसे कल दोबारा आना पड़ा था। मेरे को लग रहा है बादाम खाने पड़ेंगे, यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। चलो अब फिलहाल चलते हैं घर फटाफट, क्योंकि अभी फ़ोन आया था राधिका का कि बच्चों ने सबने खाना खा लिया। यार खाना खा लिया तो फिर सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, चलिए फटाफट जाते हैं और केक कटवाते हैं ताकि बच्चे सो ना जाए, क्योंकि रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद नींद आ जाती है जल्दी जल्दी, तो इसीलिए। वेरी गुड, व्हाइट शूज पहने थे और सॉक्स। अब ये मम्मा का केक लेके चलो, मैं लेके चलो, जल्दी ऊपर चलो बस, तुम चलो भी करते चलो। हाँ चलो, टिफिन ऊपर ले लेंगे, कपड़े हैं इसमें, टिफिन नीचे है। चलो चलो जल्दी चलो, मेरी डियर वाइफ के लिए एक तरह सा गिफ्ट लाया हूँ, आज उसका बर्थडे है ना, और लेट हो गए तो मैं केक और गिफ्ट कोई चीज लाया हूँ। आज जल्दी आए नहीं, घूमने जाना था बट छुट्टी नहीं मिली इसलिए फिलहाल। अरे इसमें है क्या मेरे को खुद नहीं पता, इसमें है क्या मेरे को खुद नहीं पता, दोनों नहीं। ये लेके आया है नमित कुमार, हमारा जो स्टॉप बॉय है वो लेके आया है इसको। क्या लेके आया, कहा कि जो भी लाए ऐसी चीज लाई हो तो मेरी वाइफ के काम आता हो, काम आए वाइफ आपकी लेके वो आए, काम आए, काम आता हो, नहीं काम आए। पिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो, पानी पिला दो, जा पानी लिया, वहाँ पे पड़ा है ले लूं, कहाँ पे पड़ा है, कहाँ नहीं आपको क्या, आराम आराम भाई। चाची बेचारे केक का तो नाश कर लिया, आज तो ग्रीन कलर आ गई, ग्रीन कलर तो मैं लाया हूँ, ग्रीन ही ग्रीन ही लाया हूँ, पेड़ो वाला हरी हरी चूड़िया बना दे मुझे, हरी हरी चूड़िया सुमित अपनो बनो कैसे बना ले।
एक रसगुल्ला नीचे आ गया। मम्मी का है। आई चलो आज सारे सामने देख लो सामने। चलो हैप्पी बर्थडे सारे लगा दो मुंह पे। अब तो लग गया, अब तो लग गया। बस बस थोड़ा 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 चाचू ने लगाया ना, इसलिए सबने लगा दिया। लड्डू उठा के लगा दो। अच्छा अरे नहीं, वो नीचे गिर दिया। तो देखते हैं गिफ्ट में क्या निकला है और क्या लेके आए हैं भाई साहब। अनाज ये क्या है? कुछ नहीं होगा। ये पिंकी टी शर्ट है, अपनी टी शर्ट लाए हैं और अपनी सॉक्स लाए। मेरी सॉक्स नहीं है, लेडी सॉक्स है। अपनी चॉक्स लाए हैं, अपनी चॉक्स। अच्छा सॉक्स मेरी है। एक तो गिफ्ट ले गए, ऊपर से अपनी चॉक्स है। मैंने सोचा टी शर्ट आपकी है, यूनिफॉर्म साइन को दे दिया। ये बर्फ ले गई। तो ये देखो, जिस हिसाब से शांति हो गई ना, आप लोगों को पता है कि सब बच्चे नीचे जा चुके हैं, इसलिए इतनी शांति है यहाँ पे। और इसी के साथ अब मैं ये टिफिन भी नीचे लेके जा रहा हूँ। अब खाते हैं खाना, डिनर करते हैं, देखते हैं क्या बनाया है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को ये पे करते हैं एंड। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी चैनल उठ पाएगा और मोनेटाइज होएगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपसे रिक्वेस्ट है। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।